Welcome to BSc Live Classes, official YouTube channel of BSc Academy Guwahati. So in this video, I am going to discuss the very important notifications of RBI Assistant 2023. And this video will be in bilingual, that is explanations will be in both Hindi as well as English. और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो दोस्तों ये काफ़ी अवेटेड नोटिफिकेशंस था, दैट इज द नोटिफिकेशंस ऑफ आरबीआई असिस्टेंट, ओके, जिसको आप सभी को बहुत दिन से आपका इंतजार था। और ये दिस रिक्रूटमेंट इज लाइक सिर्फ आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस जरूर देखिए, आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी, ठीक है। चलिए ओके, नाउ ये जैसे कि आप सबको पता है, आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज www.rbi.in से भी। और जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, दिस इज इसमें एक एक करके डिटेल्स में हम लोग जानकारी जानेंगे, दैट इज टू गेट अ जॉब ऑफ आरबीआई असिस्टेंट यू हैव टू क्वालिफाई फॉर प्रीलिम्स, फॉर मेंस and for LPT also, that means language proficiency test is also there, okay। तो इन तीनों को तीनों ही चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और द मेन मेन पॉइंट्स यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा, दैट इज द वैकेंसी, वैकेंसी इज 450, ओके, द वैकेंसी इज 450। थोड़ा सा मैं यहाँ पे सर्कल करके दिखा रहा हूँ, दैट इज 450, ओके, दिस इज द वैकेंसी। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर मैं इसको समराइज करूं, दैट यू कैन सी हियर, दिस इज़ द ऑल इंडिया लेवल नेशनल लेवल एग्जाम्स एंड यू कैन विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट आल्सो। और एंड डेट, इसके जो एग्ज़ाम्स के जो रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट है दोस्तों, वो 13 से स्टार्ट होंगे एंड अप टू 4th of October, दैट इज़ एग्ज़ाम विल बी फॉर प्रीलिम्स, फॉर मेंस एंड फॉर LPT बोथ, एंड दिस इज़ द ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशंस। और इसके जो भी एज क्राइटेरिया है दोस्तों, दैट इज़ एज क्राइटेरिया इज अप टू 20 to 28, and expected salary in hand will be 45,000 around. You can visit the website also. आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जल्दी से एक फ़ोटो भी ले लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप अगर लेना चाहते हैं तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे यही मेन मेन पॉइंट हम लोग डेट वगैरह डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। तो चलिए अब थोड़ा आगे और मूव करते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस है। एग्ज़ाम, ओके, दैट मीन्स दिस इज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड है एंड इट कैन बी रिशफल ऑल्सो, that RBI assistant prelims exam will be on 21st and 23rd of October, okay, होगा। और इसका जो RBI assistant का जो mains होगा, that will be on 2nd of December। और इसके जो tentative vacancy दोस्तों, ये भी मैं थोड़ा separately आपको explain करता रहा हूँ कि in which state how many vacancies are there। तो सबसे पहले अपने region का देखता हूँ, जैसे कि अहमदाबाद में आपको दिख रहा होगा, there is total is अहमदाबाद total is how much 13, in Bangalore there is 58 vacancy, okay। और जो सबसे ज़्यादा ये आप देख लीजिएगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो है आपके मुंबई रीजन में, ओके, दैट इज़ अराउंड 76 वैकेंसीज, दैट इज़ इन मुंबई देर इज़ अ ह्यूज वैकेंसी। एंड व्हाट अबाउट द गुवाहाटी, एंड इन केस ऑफ आई थिंक इन गुवाहाटी देर इज़ वैकेंसी, टोटल वैकेंसी इज़ 26, ओके, टोटल वैकेंसी इज़ 26, दैट मीन्स 1, 8, 4, 2, 11 and 26, so this is a vacancy for Guwahati, okay, so it's a very golden opportunity, okay। Moving on to the next paragraph, that is age criteria दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे mention किया notification में कि age जो होगा वो 20 से लेकर 28 के बीच में ही होने चाहिए age, okay। And there will be some relaxation also, जैसे कि SC ST के लिए दोस्तों 5 years का relaxation होगा, ओके, STSC के लिए 5 years का रिलैक्सेशन होगा, और OBC के लिए दोस्तों 3 years का रिलैक्सेशन होगा, और PWD कैंडिडेट के लिए, ओके, PWD कैंडिडेट के लिए आपका 10 years का, ओके, 13 years और 15 years का रिलैक्सेशन होगा। और यू कैन अप्लाई फ्रॉम अदर स्टेट ऑल्सो, बट हियर वन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दोस्तों, यू डोंट नो, कितने स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वैकेंसी देख के किसी और स्टेट से अप्लाई कर देते हैं दोस्तों, बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि यू हैव टू क्वालिफाई द LPT टेस्ट ऑल्सो, दैट मीन्स यू मस्ट बी इफिशेंट इनफ फॉर टू राइट, रीड और अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट फॉर विच यू आर अप्लाइंग, ओके। और मेनली द सब्जेक्ट्स आर लाइक सेम एज IBPS, दैट इज रीजनिंग, क्वांट्स, दैट इज मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड GK, ऑल दिस 5 सब्जेक्ट्स आर कॉमन,
ओके नेक्स्ट इज मूविंग ऑन दैट इज एग्जाम पैटर्न. थोड़ा एग्जाम पैटर्न भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि सिर्फ फॉर्म फिलअप करने से कुछ होने वाला नहीं है. आप भी उतना पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त के दोस्त भी उतना पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ के काम नहीं चलेगा दोस्तों. पढ़ना है तो पूरे 100% एफिशिएंसी के साथ आपको पढ़ना होगा. नसीहर फॉर इंग्लिश देर इज 30 क्वेश्चंस एंड मार्क्स विल बी अलॉटेड 30 मिनट्स एंड देर इज अ सेपरेशन टाइम ऑफ 20 मिनट्स. ओके दिस इज फॉर इंग्लिश. दैट मीन्स इन ईच एंड एवरी सेक्शन यू हैव टू क्वालिफाई द सब्जेक्ट. इन न्यूमेरिकल एबिलिटी दिस इज कॉल्ड मैथमेटिक्स. इन मैथमेटिक्स ऑल्सो नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 35, मैक्सिमम मार्क्स इज 35 एंड मिनट्स इज 20 मिनट्स. In case of reasoning ability also total number of question is 35, maximum marks is 35 and minutes is 20 minutes. Okay, ये आपके prelims होंगे. This prelims is only for your qualifying nature. इसके marks बिल्कुल भी आपके add किए नहीं जाएंगे आपके final selection में दोस्तों, ठीक है. ये सिर्फ आपका qualifying nature है, देख लीजिए. The candidates, you can read here, the candidates who qualify in the prelims exams will be eligible to apply for the mains. Okay, that means ये सिर्फ और सिर्फ आपके इन क्वालिफाइंग इन नेचर हैं. मेंस का पैटर्न काफ़ी अलग है दोस्तों, देख लीजिए. दिस इज द पैटर्न फॉर मेंस. ये मेंस का पैटर्न है दोस्तों. दैट मीन्स मेंस विल बी लिटिल बिट ट्रिकी. दैट इंग्लिश सेक्शन विल बी कवरिंग 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स एंड फॉर 30 मिनट्स. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स दैट मीन्स मैथ्स विल बी 40 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स एंड 30 मिनट्स. सिमिलरली रीजनिंग एबिलिटी विल बी ऑल्सो फॉर 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स एंड 30 मिनट्स. ठीक है, तो वेटेज काफ़ी थोड़ा हाई हो जाता है दोस्तों इन केस ऑफ मेंस. जैसे कि कंप्यूटर का होंगे 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स एंड 20 मिनट्स एंड जनरल अवेयरनेस इज आल्सो 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स इन 25 मिनट्स. ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो दोस्तों आप यहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. चलिए देख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है पूरा पैटर्न का, थोड़ी देर में वीडियो को होल्ड करता हूँ, आप यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि मेंस का पैटर्न क्या है. चलिए इसी के साथ दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन दैट इज, अब इसके रिजल्ट्स विद इन आपके एक्सपेक्टेड स्कोर कार्ड आ जाएंगे दोस्तों. तो यही था मेन मेन जो पॉइंट थी. और दिस आर द मेन थ्री लाइंस दैट इज प्रीलिम्स एग्जाम्स होंगे, मेंस एग्जाम्स होंगे और आपका एलपीटी टेस्ट होगा. ओके, फॉलोड बाय द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस एंड डीवी प्रोसेस. तो प्रिपरेशन करते रहिए दोस्तों. अगर आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग के ऑफलाइन क्लासेस भी रन हो रही है. इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके आप क्लासरूम की सारी जानकारी और ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के थ्रू आप एडमिशंस भी एनरोल कर सकते हैं. तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. थैंक यू एवरीवन. और अपने दोस्तों में मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए जो भी वेट कर रहे हैं. आरबीआई असिस्टेंट एक वन ऑफ द रॉयल एंड वन ऑफ द बेस्ट जॉब इन बैंकिंग सेक्टर. सो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल. अपॉर्चुनिटी विल एवरी डे नॉक्स ऑन द डोर बट इट डिपेंड्स अपॉन यू दैट हाउ क्विकली यू कैन ग्रैब इट. ओके, बाय एवरीवन. थैंक यू.